जी, कहाँ रह गया आपके दोस्त का भाई? आपको मैंने नंबर दिया था ना अरे अपना, हाँ, याद आ गया, याद। मैं भी कॉल करता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ आपको उनसे। कैसे पूछे? जी, मैंने कॉल कर दी है, वो आ रहे हैं। कब तक आ जाएंगे वो यहाँ पे? जी बस कह रहे हैं कि पहुँच गए, आई थिंक सो। आ गए आ गए आ गए आ जी गए वो आ गए। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसे हैं अल्लाह का करम सर, अल्लाह का करम। कैसा रहा आपका सफ़र सर? सर? बस थोड़ा सा लंबा था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आ गए। सही हो गया, सही हो गया। तो आपने काया को तो नहीं बताया कि आप लोग आ रहे हैं? पता नहीं एडलन काया को बताया था आपने? नहीं, मैं उसको सरप्राइज देना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग काफ़ी देर के बाद मिल रहे हैं ना, इसलिए। सही हो गया। वैसे मैंने भी नहीं उनको बताया, ठीक है, कि आप लोग आ रहे हैं। थोड़ा सा मसला हो गया था, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हुआ हूँ। सॉरी, माजरत कि आपको जो है ना अरे अरे, इंतज़ार कोई करना बात नहीं पड़ा कोई मुझे। बात नहीं। अभी आप बैठे हैं गाड़ी में, ठीक है? ये जी गार्ड्स जी हैं मेरे, ये आपको साथ लेके चल रहे हैं। मैं बाइक पे आपके अच्छा, साथ आ रहा व्हाइट हूँ, वाली पे बैठना है या फिर वो ब्लैक वाली पे? अरे आपकी मर्जी। आप जिसमें, आपको जौन सा कलर अच्छा लगे आप उस पर अरे, बैठ सकते हैं। चले पहुँचते हैं फिर घर पे, फिर वहाँ पे बात जी करते हैं। जी 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 इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। जी कल इनको लेके चले आराम से। जी सर, आ जाएं आपको, मैं ले गेट से जाएं लगा आप? देता हूँ। जी हाय काया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे आप यहाँ पे कैसे मोहतरमा? बस काफी टाइम हो गया था, मैंने सोचा जरा आपके दोस्त से भी मिल लूं। ये तो मेरे लिए सरप्राइज है कसम से, तुम अचानक कैसे आ गई बिना बताए? बस मैंने सोचा जरा सा काया से भी मिलते हैं। चलो सी बातें हैं। ये कौन है साथ में आए? ये मेरे हस्बैंड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप जनाब? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अचानक आकर इतना अच्छा सरप्राइज दे दिया मुझे सुबह सुबह। बस बस एडलेन ने कहा कि मैंने अपने दोस्त से मिलना है, और वहाँ पर अच्छा, कुछ काम भी था इन्हें, तो मैंने कहा चले चलते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा किया। और बताएं कुछ, बैठिए जरा आप लोग, बैठे बैठते हैं, बात करते हैं। जी, बिल्कुल, आए बैठिए, वहाँ पे बैठते हैं। और काया तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक तुम्हारे सामने हूँ, तुम बताओ। इतने हाँ, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सालों बाद इतनी सहेली की याद कैसे आई तुम्हें? बस थोड़े से मसले चल रहे हैं यहाँ पर। मसले? कैसे मसले, क्या मसले हो गए बताओ जरा मुझे। तुम ठीक हो ना? परेशान हो कुछ चीज़ों को देख के, मुझे अच्छा लग रहा है, तुम्हारे चेहरे से पता लग रहा था। दरअसल बात यह है काया, कि इन्होंने बताया कि आपके वाले साहब जो हैं इस शहर के बहुत बड़े आदमी रह चुके हैं, और उनकी सारे जो है ना काम वगैरह आपके भाई संभाल रहे हैं, और जितने जी भी जी जितना भी काम हो रहा है वो। तो हेल्प ये चाहिए थी, क्योंकि हम लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ पर हमारा बिजनेस था एक छोटा सा, तो वो हाँ बिजनेस ख़राब हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो अब कोई ऐसा शख्स था नहीं कि जिससे हेल्प मांग सकें। हम लोग यहाँ पर आए आपसे मिलने के लिए भी, और दूसरी बात ये थी कि जो मैंने, अब मैं इस शहर में आ चुका हूँ, अब मैंने जो है ना नए सिरे से सब कुछ शुरू करना है, एडलाइन के साथ एक नया फ्यूचर बनाना है, तो उसमें आपकी हेल्प चाहिए थी थोड़ी सी, कि आपका भाई जो है वो मुझे थोड़े से यहाँ के बिज़नेस स्किल समझा सके, और थोड़ी सी इन चीज़ों के ऊपर ही हेल्प कर सके मेरी।
बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे भाई से मिल चुके हैं, बिल्कुल वो आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। आप मुझे बताएं किस सिलसिले में चाहिए, जो भी होगी वो ज़रूर हम करेंगे। और मुझे ये बताओ कि सकलेन आप मिल चुके हो मेरे भाई से? जी जी बिल्कुल, एयरपोर्ट पे वही रिसीव करने आए थे। सही, तो अच्छी बात है। तो आप उनसे बात कर लें, जो भी आपको बात करनी है तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों बात कीजिए। दरअसल वो बाहर गए हैं, वो कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, मैं ज़रा थोड़ा चला जाऊँ बाहर, मुझे थोड़ा सा काम भी है। आप लोग बात कीजिए, एंजॉय कीजिए, मैं ज़रा उनसे बात भी कर लूँगा। ओके, ठीक है ठीक है, ठीक है।